वेलकम टू एस के स्टडी सक्सेस स्टडी मैं हूं संजय गुप्ता आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट थ्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट है सेवेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसका होता है कार्निओर्स आमनी ओर्स ऑटोट्रॉफ ओर्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरबी ओर्स जो हरबी ओर्स होते हैं इनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द प्रोसेस ऑफ आप फूड बाय अमीबा इज नोन एज अमीबा किस तरह से अपना फूड लेता है तो डाइ डायलिसिस है फर्स्ट बी है साइटोकाइनेसिस सी है फेगोसाइटोसिस एंड अमीबियासिस तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फैगोसाइटोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्गेनिज्म हैव द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन किस ऑर्गेनिज्म में होता है तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिश मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट टेक देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम से अपना फूल लेते हैं तो इसमें कौन सा है पेंसीलियम प्लाज्मोडियम पैरामिशियम पैराट तो ये है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है सेप्रोफिटिक मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म दैट टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर तो सेवन फर्स्ट ऑप्शन है मशरूम मलेरिया पैरासाइट लीच एंड लाइस तो इसमें जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूल लेते हैं वो है मशरूम यानी फंगस ऑप्शन ए करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज ह्यूमन एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है जैसा कि नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन ये लेंथ इसका बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वह कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन की अपेक्षा तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बींग्स बिगिन जो ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है स्टमक फूड पाइप से माउथ से और स्मार्टाइल तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी सेवन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन तो जो प्रोसेस डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट होता है इसोफेगस में स्मार इंटेस्टाइल में स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन में तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्माल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है इसका डाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रीटेड बाई बाइल किससे निकलता है पेंक्रियास लीवर किडनी स्टमक तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा कि मैंने बताया था कि जिसमें डाइजेशन हो फूड इंटेक हो डाइजेस्ट हो एब्जॉर्ब हो और एसीम्यट हो तो उसको कहते हैं होलोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे अमीबा में भी होता है ह्यूमन बींग्स में होता है तो इसका दो ऑप्शन दिया है तो एक तो अमीबा तो है नहीं इसमें लेकिन पैरामीशियम है पैरामीशियम में भी होता है और पैराकिट में होता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स ऑटोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्लोरोफिल सनलाइट ऑल ऑफ द एब तो ऑटोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल और भी चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आल ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन एट्टी वन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स अकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स करेक्ट ऑर्डर बताना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं इंजेसन करते हैं फूड लेते हैं इसके बाद उसका डाइजेशन होता है फूड डाइजेस्ट होता है तो इंजेसन हो गया डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होगा वह एब्जॉर्बन एसीमुलेसन फिर इजेशन e मतलब पहले फूड लेंगे जिसे इंजेसन कहेंगे फिर इसके बाद फूड का डाइजेशन होगा वो एब्जॉर्ब होगा डाइजेस्ट फूड और ब्लड में मिलेगा जिसे एसीमेशन कहते हैं और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं इसे एजेशन करते हैं यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन रिस्पेक्टिवली बाई तो एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों सेक्रेट होता है किससे पेंक्रियास एंड लीवर से स्टमक एंड सेलेवे ग्रैंड से पेंक्रियास गाल ब्लडर से स्टमक एंड पेंक्रियास से तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देखिए पेंक्रियासम स्टमक स्टमक एंड पेंक्रियास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री वैन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑफ ए लीफ वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन एल्कोहल अगर हम स्टार्च टेस्ट करते हैं तो पहले लीफ को एल्कोहल में बॉयल करते हैं एल्कोहल में बॉयल क्यों करते हैं जो क्लोरोफिल होता है उसको रिमूव करने के लिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है रिमूव द क्लोरोफिल नेक्स्ट क्वेश्चन 84। फोर पेंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स विच डाइजेस्ट पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है जो और वो जो पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होता है वह किसको डाइजेस्ट करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और फैट को फैट और कार्बोहाइड्रेट को कि प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तो पैंक्रियाटिक जो जूस है वो पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होता है वह यहाँ पर सभी फूड का डाइजेशन कर देता है प्रोटीन का भी फैट का भी और कार्बोहाइड्रेट तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है एटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बाइल तो सेक्रेटेड बाई बाइल डक्ट एंड स्टोर इन लीवर बाइल डकट से निकलता है बाइल नहीं तो यह से निकलता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है इसका मतलब है कि डी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सेक्रेटेड बाई लीवर स्टोर इन गाल ब्लैडर यानी कि जो बाइल है वह से निकल करके गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन एसोफिगर माउथ, स्टमक में स्टमक में इसका डाइजेशन होता है एट्टी सेवन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्राम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँ जानते हैं कि हम लोगों के बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है स्टमक से और वह स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जो कि हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी वाल में म्यूकस होता है बी ऑप्शन बी करेक्ट है म्यूकस स्टमक इस, 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 इस की वाल से म्यूकस सक्रिय होता है जिसकी वजह से स्टमक पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्वेश्चन नंबर एटी एट विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्री कनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर इसमें से कौन सा एलिमेंट्री का रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर लीबर से बाइल रिसीव करता है तो इसका हो जाएगा ईशोफेगस बी स्मॉल इंटेस्टाइन बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से निकलने वाला जो बाइल होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रिसीव करता है

एमाइलेज कहा जाता है या इसको टाइलिन भी कहते हैं और टाइलिन पी से स्टार्ट था पी साइलेंट है तो टाइलिन एंजाइम जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का डाइजेशन करता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी इफ द सलाइबा इज लेकिंग इन दिलाईबरी एमाइलेज अगर सालाइबा में एम की कमी होगी तो विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस टेकिंग इन प्लेस इन द बकल कैविटी बिल अफेक्टेड तो उससे क्या होगा बक्कल कैविटी में कौन सा प्रोसेस अफेक्टेड होगा तो एमाइलेज निकलता है एमाइलेज क्या करता है स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है शुगर में क्योंकि तभी स्टार्टिंग में जैसे हम लोग चपाती खाते हैं तो फीका लगता है बाद में मीठा लगने लगता है क्योंकि सलाइबा से निकलने वाला जो एमाइलेज है उस स्टार्च को यानी रोटी को चपाती को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में और वह मीठा लगने लगता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इन द शुगर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन विच आर द फॉलोइंग विच आर फॉलोइंग आर करेक्ट फंक्शन ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन एंड लाइपेज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज का क्या फंक्शन है तो ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेज जो होता है लिपिड यानी फैट का डाइजेशन करता है तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स नाइन्टी टू द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम जो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस निकलती है जो हम लोग यूज़ करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस आती कहाँ से है ग्लूकोज से वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये आता है वाटर से जो ऑक्सीजन हमें मिलता है जो हम लोग लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान हम लोग यूज करते हैं वो वाटर से वाटर के ब्रेकडाउन होने से क्योंकि वाटर का फार्मूला एस टू होता है इसमें ऑक्सीजन भी है ये ब्रेकडाउन होकर के हम लोग ऑक्सीजन लिबरेट करता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाटर नाइन्टी थ्री विच आर फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कह रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है इनकरेक्ट कौन सा है मूवमेंट ऑफ मालिकूल्स मूवमेंट ऑफ मालिकूल्स डज नॉट टेक प्लेस एमंग द सेल्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नाइन्टी फोर द इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्राफ्ट ऑटोट्राफ में इंटरनल एनर्जी कहाँ रिजर्व रहती है कहाँ स्टोर रहती है तो यह स्टार्च के रूप में स्टोर रहती है नाइन्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन फोटो इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस में नहीं पाया जाता है फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी ये तो फोटोसिंथेसिस में होता है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एबजॉर्बन ऑफ लाइट बाई क्लोरोफिल तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता है ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में बाकी सभी प्रोसेस होते हैं तो 95 फाइव का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नाइन्टी सिक्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड ऑन जो स्टोमेटा होते हैं वो लिप्स में प्रेजेंट होते हैं लिप्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं इसी से वाटर पेपर सेक्रिट करता है जिसे ट्रांसपेरेशन कहते हैं और इसमें कह रहा है कि जो स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते हैं ये स्टोमेटा होता है तो एक ओपन क्लोज किसके कारण होता है प्रोटीन सॉरी ऑक्सीजन वाटर इन गॉड सेल्स टेम्परेचर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाटर इन द गार्ड सेल ये जो स्टोमेटा में ये गार्ड सेल है ये गार्ड सेल uh, का ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वाटर के कारण होता है नाइन्टी सेवन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फार्म

इन द डाइजेस्टिव ट्रैक इज पेपसिन सेलोरोज एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डाइजेशन डाइजेशन तो माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है और माउथ में एमाइलेज एंजाइम निकलता है तो एमाइलेज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट एंजाइम है ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 99। नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हेट्रोट्राप्स सिंथेसाइज देअर ओन फूड हेट्रोट्राप्स फूड अपना ओन ओन फूड तो सिंथेसाइज करते नहीं हैं अपने भोजन बनाते नहीं हैंट्रोट्राप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फूड जब हेट्रोट्राप्स है तो सोलर एनर्जी का यूज ही नहीं करेंगे एंड हेट्रोट्राप्स डो नाट सिंथिसाइज देयर ओन फूड हेट्रोट्राप्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते यस yes, करेक्ट है सी ऑप्शन करेक्ट है कि हेट्रोट्राप्स अपना फूड नहीं बनाते हैं हेट्रोट्रॉप्स अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं इसलिए नाइनटी नाइन का क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज सिंथे देयर ओन फूड क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इन विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रेकिंग डाउन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इसमें से किसमें फूड मटेरियल ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर होता है तो इसमें मशरूम है ग्रीन प्लांट्स है अमीबा अमीबा में तो अंदर होता है इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं पैरामीशियम अमीबा इसमें भी अमीबा आ गया इसमें भी आउटसाइड होता नहीं बाहर और कशकुटा लाइस लाइस में भी नहीं होता टेपोर में नहीं होता तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हंड्रेड का बी ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड ये अपना जो फूड मटेरियल है वो ब्रेक डाउन जो है बॉडी के बाहर हो जाता है हंड्रेड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा वन हंड्रेड वन विच आफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द पार्ट्स एज दे अकर इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल अब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में पहले क्या होता है माउथ होता है माउथ के बाद ईशो आता है ईशो के बाद स्टमक आएगा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है इस हिसाब से वन हंड्रेड वन का जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट हो जाएगा डी माउथ पहले माउथ आएगा हाँ एलिमेंट्री कैनाल में इसके बाद ईसोफेगस स्टमक इस स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा वन हंड्रेड वन का तो इस तरह से ये लाइफ प्रोसेस जो लेसन फर्स्ट बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कोविड नाइन्टीन को देखते हुए ये मैंने वीडियो बनाया है केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का Thank you for watching.